अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं परवीन किचन। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल ब्लॉग लाई हूँ और ये ब्लॉग आप मिस मत करिएगा, ना ही वीडियो को स्किप करिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो वो ब्लॉग क्या है, तो चलिए मेरे साथ और देखते हैं, तो चलते हैं। मैम आई हुई है, इन्होंने हमको मतलब सबसे पहले तो इन्होंने हमको ऑफर दिया था कि जो है आप अपना वेट कम करिए। हमने कहा हम कैसे वेट कम कर सकते हैं अपना, तो इन्होंने कहा कि मेरा वेट 90 से ऊपर था। आज आप लोग खुद ही देख रहे हैं इनका वेट और इनको खुद देख के आप देख रही होंगी कि कैसी है। तो मैंने भी इतने एक महीने में 8 किलो वेट अपना लूज किया सिर्फ इनके बताए हुए। तो जैसे हम लोग घर में औरतें हैं, नहीं अपना ध्यान दे पाती, कुछ नहीं कर पाते हैं बच्चों में, घर में, परिवार में एकदम से सिमट के रह गए हैं, तो उसमें से अपना थोड़ा सा वक्त निकालना पड़ेगा अपने लिए। उसी में से ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ कर नहीं सकती हैं। तो वही चीज़ है जो मैम आपसे बताएंगी, वो क्या है इन्हीं की जुबानी सुन लीजिए। तो मैम प्लीज़ आप ये कह रहे ना, हम लोग एक चेकअप कर लेते हैं जिससे क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा हमारी हेल्थ कहाँ पर है। कभी हम करते नहीं ना, हम ध्यान देते हैं कि हमारा वजन या तो कम है या ज़्यादा है या हम फिट हैं कि अनफिट हैं। तो चेकअप करने से पता चल जाता है कि हम कितना अनफिट हैं, अभी जरूरत है भी कि नहीं है या बढ़ाने की जरूरत है या नहीं है। तो वो चेक करके एग्जैक्टली आपको बताते हैं कि पहले सबका चेकअप कर लेते हैं, फिर उसके बाद वन बाई वन मैं सबको बताते रहेंगे ना। हाँ, और भी एक चीज़ है, ये जो चीज़ है वो सिर्फ जैसे मतलब जो फैट वाले हैं या मोटे हैं उनके लिए नहीं है, ये हर एक के लिए है, चाहे वो दुबला पतला हो, मोटा हो, सेहतमंद हो, चाहे जैसा भी हो, ये सब सबके लिए है। जैसे हम तीन लोग हैं यहाँ पे, संगीता अंडरवेट थी बहुत ज़्यादा, अभी भी दिख रही है ना, ये ऐसी भी कंडीशन में थी। अगर पहले की फ़ोटो आपको दिखाएगी तो और ज़्यादा इनकी हालत ख़राब थी, प्लस ये रेगुलर इसको फेस पे बहुत पिम्पल्स आते थे और फीवर बहुत रहता था। अभी माशाल्लाह काफ़ी बेहतर है। ये जो छोटू हैं ये भी रेगुलर यूज़ करते हैं, न्यूट्रिशन है, कोई मेडिसिन नहीं है। हम लोग फिटनेस की बात करेंगे, बीमारियों की ताल से यूज़ कर रही हूँ, मुझे 21 साल हो गए, न्यूट्रिशन डाइट और एक्सरसाइज को उसके मैं खुद कर रही हूँ। बाकी संगीता को 7 साल हो रहे हैं, 6 साल हो गए हैं। ठीक है, चेक करते हैं पहले। आपको नहीं खड़े होना है बेटा, आपको आपको घर पे खड़े होना है ना, यहाँ नहीं खड़े होना है। किससे शुरू करोगे?
ज़्यादा है, अगर वजन कम है तो फैट नहीं होना चाहिए ना बॉडी में, कम होना चाहिए। 48 बॉडी आपका वेट है, उसमें 28% बॉडी फैट है, यानी बैड फैट होना है क्या? इस बॉडी के अंदर भी बैड फैट है। ठीक है, आपका फैट कैसे होता है? मतलब ये कहाँ से होता है? जो हमारी ये स्किन है, इसके बीच में एक लेयर होती है फैट की, फिर बोन होता है। ठीक है, हम ये सोचते हैं हम अंडर वेट हैं तो हमारे अंदर फैट नहीं है, ये हमारी गलत फहमी होती है। क्योंकि क्या होता है, अगर हम कम खा रहे हैं या पानी कम पी रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी जो है वो फैट स्टोर कर लेती है। ठीक है, जैसे हमारा घर होता है ना, उसमें एक स्टोर रूम होता है, हमें जो चीज़ नहीं चाहिए हम वहाँ डाल देते हैं, तो हमारी बॉडी जो चीज़ यूज़ नहीं करती उसको फैट में कन्वर्ट कर देती है। तो वो फैट परसेंटेज होता है, जैसे आप पानी कम पीते हैं, तो फिर पानी आप कम पिएंगी, बॉडी आपकी फ्लश आउट नहीं होगी, उसमें से क्लीन नहीं होगा, तो क्या होगा, फैटी तो जमा रहेगा ना बॉडी के अंदर। पतले इंसान को हार्ट अटैक सुना है कभी? हार्ट अटैक सुना है लेकिन पतले लोगों में बहुत ज्यादा हो रहा है, पतले में अब ज्यादा हो रहा है, क्योंकि वो केयरलेस हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि नहीं हमें कुछ नहीं होगा क्योंकि हम पतले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फैट बढ़ रहा होता है उनकी बॉडी के अंदर। तो हर चीज़ पे हमें ध्यान देना चाहिए, ऐसा नहीं कि पतलों को बीमारियां नहीं होती हैं, होती हैं, पतलों को भी बीमारियां होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम ध्यान नहीं दे रहे होते हैं। पतले होने की वजह से हमको लगता है हम फिट हैं, जो मोटे हैं उनको तो पता है कि हम अनफिट हैं, लेकिन पतले भी ज़्यादा अनफिट रहते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ों की कमी हो जाती है ना बॉडी के अंदर, और उस पर अगर आपकी बॉडी में फैट है तो वैसे हमारे जो इंटरनल सिस्टम होता है उसको तो वो काम करेगा ना। वजन कम है, फैट आपका ज़्यादा है, बाकी पैरामीटर्स भी आपके कम हैं जो होने चाहिए वैसे नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी भी बहुत कम कैलोरीज बर्न करती है, तो इसका मतलब आप घर के काम करती हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करती। ठीक है, आपका अनम, आपका नाम नहीं है, 71.926 हम, आपका वेट ज़्यादा है आपको पता है। ठीक है, लेकिन आपका फैट बहुत ज़्यादा है, 39% है, यानी आपका जो 71% वेट है उसमें 39% ऑलमोस्ट 40% जो बैड फैट है।
ये फैट हमें बीमारी की तरफ ले जाता है, ये कितना आपके पास की तरफ लेकर जाता है, यानी किसी भी लाइफ स्टाइल जैसे अगर आपने कैंसर प्रॉब्लम थायराइड प्रॉब्लम ये सारी हमारी इसकी वजह से स्टार्ट होती है, क्योंकि हम देख नहीं पाते ना इंटरनल हमारा सिस्टम डैमेज होता है। जो हम सडनली सुनते हैं ना कि अभी हम मिलकर आए थे वो ठीक थी या ठीक थे, अचानक क्या हो गया, तो अचानक कुछ नहीं होता है, वो इंटरनली काम चल रहा होता है, पता हमें अचानक चलता है। आप 26 साल की हैं लेकिन इस वक्त जो आपकी बॉडी आपकी परफॉर्मेंस दे रही है वो 47 ईयर्स ओल्ड लेवल का परफॉर्मेंस दे रही है, यानी आपकी एज 47 ईयर्स हो चुकी है। क्यों हो गई? अभी ध्यान नहीं दिया जा रहा है, बहुत कम ध्यान दिया जा रहा है। जैसे कि क्या ध्यान? जैसे कि अभी फिलहाल अभी इससे पहले जब मैं अभी वर्कआउट कर रही थी पूरा डाइट प्रॉपर था तब मेरा 62 के बीच में कहीं मेरा वेट था, लेकिन अभी ये सही। मैं आपके वेट की बात नहीं कर रही, मैंने वेट तो आपको बहुत पीछे छोड़ दिया। नहीं, और बाकी भी चीज़ें जो भी पैरामीटर जी ये सब BMI और BMR जो भी चीज़ें हैं ये सब मैंने कैलकुलेट करके सब उसके अकॉर्डिंग बॉडी फैट और विसरल फैट का भी चेक किया था अपना और बॉडी ये चेक की थी। हाँ, ये जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी एक साल पहले उसकी टाइमिंग हुआ करती थी। सही नहीं है, अगर सही करना चाहती है तो आप पूछ सकती हैं, सोच लीजिए अभी हम जिस इधर यहाँ बैठे हैं उसी देर में हम उससे पूछ सकते हैं। आपकी हाइट है उसके हिसाब से अगर हाइट से भी आप वजन अपना रखना चाहें तो 62 से 65 के बीच में होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। तो बहुत कम है उससे मुझे कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि मैं वेट पे बात नहीं करती हूँ, मैं बाकी चीज़ों पे बात करती हूँ, तो अगर बाकी चीज़ें देखें तो और ज़्यादा है आपकी, आपका नहीं जाएंगे। बॉडी फैट 43% यहाँ जो हमारा हायर से जो वेरी हायर साइड होता है वो आपका है, जो ऑर्गन्स जो होता है हमारे लीवर किडनी हार्ट वो 16.5 है, होना कितना चाहिए 8 के अंदर होना चाहिए, वो जस्ट डबल है आपका। आपकी अपनी एज है 44 साल, आपकी बॉडी एज है 68 थकान लगती होगी, सुस्ती हो जाती होगी काम करने में, वेट ठीक है आपका, थोड़ा सा कमी है अगर हाइट के हिसाब से देखें तो 2-4 किलो कम है, लेकिन फैट परसेंटेज देखें तो हाई है। पानी कम पीती हैं? पानी इसमें तो फिर कम पी रहे हैं। प्यास नहीं लगती है? मैं तो फिर भी शायद थोड़ा नॉर्मल हूँ, घर के काम भी करती हूँ, अभी भी मैं खाना वाना बना के रख के आके सबको टेबल पे दे के फिर ही आई हूँ और लखनऊ से आ गई हूँ, ठीक है, तो वो घर के काम भी करती हूँ, तो कहीं ना कहीं हमें अगर फिट रहना है तो एक्स्ट्रा। अभी ये दुबई से आई है, दिल्ली में थी, दिल्ली से आई, हमने कहा था ना दिल्ली गई है अभी आने वाली है, पहले दुबई गई थी वहां से आई, वहां भी तीन की जॉब है, दिल्ली में घर है को चाहिए, मेरा काम हर जगह चलने चलने, जहाँ इंसान रहेंगे वहाँ मेरा काम चलेगा चलेगा, बस थोड़ी सी समझ चाहिए सबको कि हाँ वो किस तरफ जा रहे हैं। हमें बताइएगा वजन बढ़ाने के हम क्या करेंगे? हाँ इनको ज़्यादा ठीक है, देखें दो ऑप्शन है हमारे पास, खाना बनाना टाइम है वो शाम, उस सेंटर को रेडी करती हूँ, फिर सबके लिए ब्रेकफास्ट का सारा अरेंजमेंट करती हूँ, लोग आते हैं घर, फिर उनको एक्सरसाइज भी करवाती हूँ, ठीक है, फिर घर जाने के बाद घर का खाना भी बनाती हूँ, तो हमें कहीं ना कहीं अपने लिए चीज़ें करनी पड़ती हैं, अगर हम अपने लिए हाफ एन आवर या एक घंटे का टाइम नहीं निकाल सकते। इसमें इतनी एनर्जी रहती है कि
आपको मतलब इतनी ताकत देता है ये कि अगर आप कोई भी ना चाय पिए ना कोई भी, इसको दिन में पीते रहिए, बहुत एनर्जी इसके साथ।